सिद्धार्थ जी तैयार है, वक्त है स्क्रिप्ट की स्क्रिप का। स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी, बताएं आज की स्क्रिप्ट की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। पूरे लाइटर नोट पे दर्शकों को नायका का इतना अच्छा लिस्टिंग हुआ था, एक लाइटर नोट पे थीम की शुरुआत कर रहा हूँ। ये दर्शकों के लिए है, ये आपका फेवरेट चैनल है जी बिजनेस, ये आपके फेवरेट एंकर है अनिल सिंह जी, और यहाँ पार्टी होगी। तो आज की जो थीम है वो है पार्टी टाइम। पार्टी टाइम इसीलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन, दिवाली जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वो तो हो गए, नवंबर दिसंबर का महीना है, गेट टूगेदर्स का महीना है, लोग मिलते हैं, फैमिली मेंबर्स, दोस्त यार फैमिली सब लोग मिलते हैं, पार्टी करते हैं, और ये पार्टी दिसंबर तक, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो पार्टी का समय है। वैक्सीनेशन का ड्राइव हो चुका है काफी बड़ा, इसीलिए एक डर भी कम है लोगों के बीच में, कंजम्पशन बढ़ सकता है क्योंकि यंग एज पॉपुलेशन जो 18 से 35 है वो 40 करोड़ के ऊपर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंजम्पशन का सूत्र है। ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए तो कंजम्पशन का पेंट अप डिमांड हो सकता है। तो आज का जो थीम है वो है पार्टी टाइम। तो ये पार्टी टाइम शुरू हो चुका है, त्योहारों के सीजन से चलेगा क्रिसमस और न्यू ईयर तक। इस बीच इस पार्टी थीम में कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कितने कितने, किस रेशियो में और कितने टारगेट्स के लिए, बताएं आप सिद्धार्थ जी अपने स्टॉक्स की लिस्ट। बिल्कुल अनिल जी, पारी हो रही है तो इसमें चार कंपनी लेके आए हैं, चार कंपनी, और सबसे पहले कंपनी अगर आप पार्टी करेंगे तो लोग अच्छे रेस्टोरेंट और होटल में स्टे और वेकेशन में जाना चाहते हैं, तो ताज से बेहतर क्या हो सकता है, ये है इंडियन होटल्स, पहली कंपनी ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, विवांटा, जिंजर होटल्स। सेकेंड हाफ जो है ये साल का बहुत दमदार हो सकता है इसका, हेल्दी रिकवरी हो रही है एवरेज रूम रेट्स में, ARR में ग्रोथ दमदार है, न्यू बिजनेसेस में जीरो डेट कर सकती है कंपनी। जी ध्यान से सुनिए, जीरो डेट कर सकती है कंपनी आने वाले 12 से 18 महीने में। टारगेट होगा इंडियन होटल का 237 रुपए का QIP, आज ही लॉन्च हुआ 24 नवंबर से, 2000 करोड़ का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। दूसरी कंपनी होगी रेडिको खैतान, घर में भी पार्टीज होती है तो बहुत जन तो अल्कोहलिक बेवरेजेस का यूज करते हैं, रेडिको खैतान इसका टारगेट होगा 1200 रुपए का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। हेल्थी परफॉर्मेंस है इनका, प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में, साथ ही साथ आउट परफॉर्मेंस करती है पीयर्स को, बहुत दमदार सेल्स और अबिकता है रेडिको खैतान का। अब घर में पार्टी कर रहे हैं, डोमिनोज के बगैर तो हो नहीं सकता, तो तीसरी कंपनी है जुबिलेंट फूड, डोमिनोज के चेन ऑफ इनके हैं, तो लीडिंग QSR है, 55 स्टोर्स है इनके, 1400+ स्टोर्स तो टोटल इंडिया में है, 300 सिटीज में। पॉपीज करके एक USP ब्रांड है, इनको भी लाने की योजना है जुबिलेंट फूड के तरफ से, टारगेट होगा 4200 का, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। अगर आपको डोमिनोज पसंद नहीं है तो आप कोई भी रेस्टोरेंट से मंगा सकते हैं। तो अब चौथी कंपनी होगी जोमेटो, जोमेटो का टारगेट होगा 170, ये लीडिंग फूड डिलीवरी एग्रीगेटर है, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। अगस्त में 2 महीने पहले ही 100 करोड़वा ऑर्डर इनको इनके प्लेटफॉर्म से हुआ है, बहुत दमदार है। FY21 में 24 करोड़ ऑर्डर किए गए थे जोमेटो द्वारा, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जोमेटो। ये दो कंपनी टेक्नोफंडा के हिसाब से, दो कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से, और ये है पार्टी टाइम, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो 100 करोड़ ऑर्डर मिल चुके हैं जोमेटो को। जी बिल्कुल, अगस्त के महीने में 100 करोड़वा ऑर्डर इनको आया है अब तक, या अगस्त के महीने में। अच्छा, अब तक मिला के जो 100 करोड़वा ऑर्डर था वो अगस्त के महीने में, आप ऐसा कह रहे हैं, करेक्ट? जी जी जी, वाह, 100 करोड़ बार ऑर्डर जा चुके हैं, मेरे कितना खाते हैं भाई लोग, ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन के, हाँ मतलब 140 करोड़ हम हैं, एडल्ट पॉपुलेशन से तो ज्यादा ही हो गए, कितना 80-85 करोड़ है एडल्ट पॉपुलेशन, हाँ एक से ज्यादा तो सबका, भले हमारे जैसे लोग कम मंगाते हैं या नहीं मंगाते हो, बट फिर भी, लेकिन बच्चे तो, और हमारे भी मंगाने तो बच्चे ही मंगाते हैं,
रेगुलर हो जाता है सर, वंस अ वीक तो अभी कई कितने हो रहे हैं। गजब के सिद्धार्थ जी कहाँ कहाँ से पढ़ पढ़ के लाते हैं इन्फॉर्मेशन, जो लाते हैं ना गजब की लाते हैं। तो सिद्धार्थ जी को पसंद है जोमेटो और कौन कौन सा बताया, जुबिलेंट फूड, इंडियन होटल, रेडिको के खाने, चार स्टॉक पसंद है। पार्टी टाइम थीम तो मानना पड़ेगा, सिद्धार्थ जी की थीम है कि वो खत्म ही नहीं होती है ना। मैं सोचता हूँ कभी तो सिद्धार्थ जी बोलेंगे बस सर अब सब खत्म हो गया, अब थीम कोई बची नहीं है, लेकिन हर हफ्ते दमदार थीम निकाल कर आते हैं नई वाली, तो चलो बढ़िया है। सिद्धार्थ जी आप इस हफ्ते की थीम पता है ना फ्राइडे की आपको? जी नहीं, फ्राइडे की थीम नहीं। गजब करते हैं, कल क्या कर रहे थे आप दोपहर वाले शो में, कहीं बिजी थे? चलिए बता देते हैं सिद्धार्थ जी के लिए मस्ती की पाठशाला 3:30 बजे फ्राइडे को आपको तैयारी करनी है। आपको बताना ये है सिद्धार्थ जी कि ऐसा कोई काम जो आप फिर से बच्चे बन जाएं तो करना जरूर चाहेंगे, या तो आपने बचपन में किया और बड़ा मजा आया हो तो वापस करेंगे अगर बच्चे बन जाए तो, और अगर बचपन में आप बच्चे नहीं, बचपन में बच्चे तो थे ही, मतलब बचपन में अगर आप कोई काम नहीं कर पाए और अब आपको लगता है कि नहीं कर लेना चाहिए, वापस मौका मिल जाए बच्चा, तो वो भी आप सोच सकते हैं। जो कर पाए वापस करना चाहें, जो नहीं कर पाए अब करना चाहें। थीम तैयार आपको दे दिए, आप अपनी तैयारी करके आ जाइएगा सोच विचार करके, ठीक है ना सिद्धार्थ जी? बिल्कुल सही सर, हर लोगों में एक बच्चा जरूर होता है, तो ये आपने टॉपिक सटीक ढूंढा है, मजा आ जाएगा। अच्छा, कुछ कुछ में तो एक से ज्यादा दिखते हैं, जैसे कि विश्वेश जी। हाँ हमारे सिमी जी भी, सिमी जी में भी मतलब ऐसा लगता है कि सिमी जी जिस तरह से एकदम खुलकर बात करती है, मतलब एकदम वो इनोसेंस। हाँ बिना किसी के, चलिए बढ़िया। तो ये है आपके लिए बचपन वाली थीम, 14 नवंबर को मिस मत कीजिएगा मस्ती की पाठशाला। आइए अब करते शुरुआत।